राज्य सरकार ने प्रदेश के निगम मंडलों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के नामों की सूची की जारी। सभी संभागों को दिया गया महत्व। प्रधानमंत्री कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में होंगे मुख्य वक्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं और संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू। और देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अब 63.25%। प्रदेश में कल 49 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कल प्रदेश के निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। जारी सूची के अनुसार रायपुर से 14, बस्तर से 6, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग से 4-4 लोगों के नाम शामिल हैं। जारी सूची में कांग्रेस नेता देवेंद्र बहादुर सिंह को राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा को गृह निर्माण मंडल और शैलेश नितिन त्रिवेदी को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड और किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। महंत राम सुंदर दास को गौ सेवा आयोग, बैजनाथ चंद्राकर को अपेक्स सहकारी बैंक और अरुण वोरा को राज्य वेयरहाउस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पहली सूची के आने के बाद जल्द ही दूसरी सूची के जारी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी के साथ साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतरेस भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वर्ष के उच्च स्तरीय सत्र का विषय है कोविड-19 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा। बताया जाता है कि इस सत्र में बहुपक्षीयवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को भारत को परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया। इस मनोनयन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं और संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में परिषद के गठन को विधिवत मंजूरी दी गई। इस परिषद में संस्कृति विभाग की सभी इकाइयों को एक रूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य गठन के पहले प्रदेश में सभी सांस्कृतिक गतिविधियां भोपाल से संचालित होती थीं। राज्य बदलने के बाद इसके लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की गईं, लेकिन उनमें आपसी तालमेल का अभाव रहा, इसलिए एक समग्र मंच के रूप में परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि परिषद के तहत साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग काम करेंगे। साथ ही परिषद प्रदेश की संस्कृति नीति के अनुरूप स्कूली और उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित कर संस्कृति को बढ़ावा देगा। संस्कृति कर्मियों और संस्थाओं को दिए जाने वाले फेलोशिप और पुरस्कारों का संयोजन भी परिषद द्वारा किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अब 63.25% हो गई है। अब तक करीब 6,13,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में देशभर में 20,783 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 32,795 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
ये एक दिन में अब तक की कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। इस समय देश में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 3,31,146 है। राज्य में 24 घंटों में 154 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। रायपुर से 77, नारायणपुर से 19, बिलासपुर से 11, सरगुजा से 10, जांजगीर चांपा, कोंडागांव और दंतेवाड़ा से 6-6, दुर्ग और कांकेर से 3-3, राजनांदगांव, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद से 2-2, बालोद, बलौदाबाजार, कोरबा, कोरिया और सुकमा से 1-1 मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। अंबिकापुर में बीते दिनों 8 कोरोना संक्रमितों की पहचान होने से कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अंबिकापुर के एसडीएम अजय त्रिपाठी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। पूरा में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद उसके जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे उनसे पॉजिटिव लोग आते गए, तो उस कारण से मोमिनपुरा और रसूलपुर में 4 कंटेनमेंट जोन थोड़ी थोड़ी दूरी पे बन गए हैं। तो उन सभी जोन को एक साथ मिला करके एक बड़ा कंटेनमेंट जोन बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने भी इस एरिया का दौरा किया, एसपी महोदय भी आए हुए थे और हम लोगों को जो भी निर्देश दिए उनका हम लोग पालन करेंगे। दुर्ग जिले में आज शाम तक 14 बीएसएफ जवानों सहित 17 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा भारत को दिए गए वेंटिलेटर्स में से 10 पोर्टेबल मिले हैं। नए वेंटिलेटर कोविड-19 संक्रमितों के लिए काफी उपयोगी हैं। इन वेंटिलेटर्स का उपयोग रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान और एम्बुलेंस में भी किया जा सकता है। एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि एम्स को अमेरिका में बने 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर हाल ही में मिले हैं। पोर्टेबल होने के कारण इनका प्रयोग मोबाइल वेंटिलेटर के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन वेंटिलेटर्स को बहुपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इससे गंभीर मरीजों के इलाज करने की क्षमता में और वृद्धि हुई है। इसकी मदद से चिकित्सक ऑक्सीजनेशन और उपचार को आसानी से शुरू कर पा रहे हैं। इसमें प्रयोग किए गए आधुनिक तकनीक के कारण पल्स रेट रीडिंग में भी सहूलियत हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य अब गौठान निर्माण में भी सहयोग करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में गोधन न्याय योजना और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में पार्टी के कार्यकर्ता अपना योगदान देंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जानकारी दी। समन्वय किस प्रकार से स्थापित करना है, साथ ही गोधन न्याय योजना में भी संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये मैंने सबसे आग्रह किया। जिस प्रकार से कोरोना काल में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को सहयोग दिया, राशन से लेकर गंतव्य तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के साथियों ने किया है, उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना में भी गांव-गांव में जाके लोगों को समझाने का काम और संगठन बनाने का काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। श्री बघेल ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए समन्वय पर भी चर्चा की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य लगातार जारी है। कोरबा जिले में भी मॉनसून के दौरान वृक्षारोपण के काम से मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिले में इस वर्ष मॉनसून के दौरान 8,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कराए जा रहे वृक्षारोपण में फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। कोरबा जिले में करीब 8 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे और इसमें मनरेगा के माध्यम से मेजर कंपोनेंट होगा। मनरेगा से जिसमें कि हमारा 88 गौठानों में करीब 25,000 पौधे, 88 चारागाहों में करीब 1,20,000 पौधे, रेशम विभाग द्वारा 5,57,000 पौधे, वन मंडल कोरबा द्वारा 29,000 पौधे। और आपको बता दें कि जो वन मंडल कोरबा में जो वृक्षारोपण किया जा रहा है वो राम वन गमन पथ का ही वो हिस्सा है जिसके तहत वो किया जा रहा है और इसका भी काम मनरेगा के द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत गर्मी में तालाब गहरीकरण सहित सड़क निर्माण का कार्य किया गया, अब बरसात में पौधारोपण और ट्री गार्ड लगाने का काम किया जा रहा है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। आज हम योजना के दुर्ग जिले के दो लाभार्थियों के बारे में जानेंगे। सोमेश्वर प्रसाद योजना के तहत मिली मदद से डिटर्जेंट पाउडर बनाने का व्यवसाय कर रहे हैं। इन्होंने करीब 35 लोगों को रोजगार भी दिया है। सोमेश्वर ने बताया कि इनका व्यवसाय प्रारंभिक दौर में छोटे पैमाने पर था, लेकिन योजना से जुड़ने के बाद व्यवसाय का विस्तार हुआ और अब सालाना टर्नओवर करीब 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इनके डिटर्जेंट पाउडर की 5 राज्यों में मांग है। में वर्क कर रहे हैं जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी और महाराष्ट्र। टोटल अभी झारखंड अभी ही स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और टोटल अभी इन स्टेट्स में काम किया जा रहा है। और पीएमएजीपी योजना के तहत हमने ये काम को एक अलग स्तर पे पहुंचाया। पहले शुरुआत में हम यहीं पे लोकल में ही काम करते थे और कैनरा बैंक की सपोर्ट से हमको क्या बोलते हैं 25 लाख का लोन प्रोवाइड हुआ और हमने भी कुछ अपने अमाउंट डाले। 35 लेबरों को क्या बोलते हैं शुरुआत में यहाँ पे रोजगार दिया और अभी ये लेबर की संख्या धीरे 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 करके दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। योजना के दूसरे लाभार्थी अनिल सिंह हैं। इन्होंने योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण लेकर चप्पल निर्माण का काम शुरू किया। 1.5 साल में ही इनका रोजगार इतना बढ़ा कि ये अन्य लोगों को भी रोजगार देने लगे। अनिल सिंह ने बताया कि योजना का सकारात्मक पहलू इस पर दिया जाने वाला अनुदान है, जिससे व्यवसायियों को ऋण भार से काफी राहत मिल जाती है। ये लोन मुझे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मिला था और ये 10 लाख का लोन मुझे पास किया गया था यूको बैंक के थ्रू और मैंने इसके थ्रू फिर ये अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे आज मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंडीशन है क्योंकि कोविड के कारण से अभी मार्केट बहुत डल चल रहा था, फिर भी हम मार्केट में स्टेबल हैं और सप्लाई चल रही है हमारी, एमपी जाती है, उड़ीसा जाती है, छत्तीसगढ़ में भी हम हैं, तो ठीक है चल जा रहा है। मेरे यहाँ पे 7 से 8 लोगों का रोजगार है जो कि कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, कुछ मार्केटिंग में आते हैं, तो इस हिसाब से सब चल रहा है हमारा। गौरतलब है कि योजना के तहत युवाओं को 25% अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव का 73 वर्ष की आयु में हृदयाघात से कल जशपुर में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय उरांव के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपका वनवासियों के लिए समर्पित जीवन और कठिन परिश्रम सदैव स्मरणीय रहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी जगदेव राम उरांव के निधन पर शोक जताया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि जगदेव जी बाल्यकाल से ही वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े रहे और हमेशा वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय उरांव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन वनवासी समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उल्लेखनीय है कि जशपुर के कोमड़ो गांव में 1 अक्टूबर 1949 को जन्मे जगदेव राम उरांव 12 वर्ष की आयु से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और बाद में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यों से जुड़ गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के निगम मंडलों अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के नामों की सूची की जारी। सभी संभागों को दिया गया महत्व। प्रधानमंत्री कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में होंगे मुख्य वक्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं और संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू। और देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अब 63.25%। प्रदेश में कल 49 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।